हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू काव्यांश गेमिंग। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ टॉप 3 बेस्ट सीड फॉर स्पीड रन। और ये तीनों सीड माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन 1.18 के प्लस जितने भी वर्जन है सभी में काम करेगा। भाई यार, इस गर्मी से कोई पीछा छुड़वा दो रे, पूरे 5 रुपए दूंगा मैं। तो गाइज, इन तीनों सीड में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो कि आपको स्पीड रनिंग के लिए चाहिए होता है, लाइक डायमंड एंड ओपी वाली लूट प्लस नेदर फोर्ट्रेस प्लस स्ट्रॉन्ग होल्ड। एंड ये सारी की सारी चीजें आपको इन तीनों ही सीड के अंदर देखने को मिल जाएंगी। तो गाइज, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो करना, भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर नहीं। और ये हम लोग फेंक दिए गए हैं अपनी पहली सीड के अंदर। तो यहाँ पे आप लोग स्पॉन हो गया और सामने ही आपको विलेज देखने को मिलेगी। तो फटाफट से दौड़ के विलेज के अंदर चले जाना और यहाँ पे आपको एक ब्लैक स्मिथ का घर देखने को मिलेगा। भाई कहाँ चला गया, ये क्या बात करता है यार। ओके, तो यहाँ पे आपको ब्लैक स्मिथ का घर देखने को मिल जाएगा और इससे भी आप लोग बातचीत करके पूछ सकते हो कि इसके चेस्ट के अंदर क्या है। बाकी हम लोग इससे कुछ भी नहीं पूछने वाले, डायरेक्ट अटैक करेंगे इसके चेस्ट के अंदर। तो यहाँ पे आपको कुछ खास लूट देखने को नहीं मिलेगी। बट अभी आपको डिसपॉइंट नहीं होना, क्योंकि सामने ही आपको एक और ब्लैक स्मिथ का घर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको कोई बंदा भी नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको चुपचाप से इसके घर के अंदर घुस जाना और चेस्ट के अंदर भाई आपको 3 डायमंड स्टार्टिंग के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा कमाल की बात है। सही बात है। तो गाइस, दोनों ब्लैक स्मिथ को बकायदा लूटने के बाद आपको पीछे की साइड में आ जाना है और जिधर से हम लोग एंटर किए थे ना, वहीं पे आपको ये वाला घर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको छेद करना है और डिग करते करते आपको नीचे की साइड में आ जाना है और डायरेक्ट आप लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड के पोर्टल के ऊपर ही कूदोगे। अब ज्यादा इधर उधर मत कर देना, वरना आप लोग सीधा लावा के अंदर लैंड करोगे, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको एक पोर्टल का निर्माण करना है इस कोने में, उसके बाद आपको इसके अंदर जंप लगा देनी है। और जैसे ही आप लोग पोर्टल के बाहर फेंके जाओगे ऊपर की साइड में, इस साइड में देखो, मतलब पीछे की साइड में, ये यह देखो यहाँ पे मैंने छेद बना के रखा है ऊपर। तो आपको करना क्या है कि ऊपर की साइड में डिग करना स्टार्ट करना है और इतनी हाइट, मतलब जहाँ आप लोग कोऑर्डिनेट देख लेना, इस हाइट के ऊपर आपको ये देखने को मिल जाएगी इसको, हाँ, नेदर फोर्ट्रेस। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। और यहाँ पे आपको 4-5 नमूने घूमते हुए मिल जाएंगे, तो इनको मार के थोड़ा ब्लेज डंडी वगैरह इकट्ठी कर लेना। भाई एंडर ड्रैगन को भी तो मारना है ना, मगर क्यों पता नहीं। तो गाइस चलो बढ़ते अपने अगले सीट की तरफ। तो गाइज यार, पहला सीट तो बढ़िया था ही, बट ये वाला सीट बहुत ज्यादा ओपी है, मतलब एक तरह से आप इसे गॉड सीट बोल सकते हो। तो चलो यार, इस सीट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यार प्लीज आप लोग एक लाइक कर दो। ओके, क्यों नहीं। तो गाइज, इस सीट में आपको यहाँ पर पटक दिया जाएगा और उसके बाद आपको सामने की साइड में आ जाना है। अब मेरे पास तो जादू शक्तियां हैं, तो मैं उड़ते हुए आ रहा हूँ, लेकिन आपको दौड़ते हुए आना है, ठीक है, रुकना नहीं है बीच में, दौड़ते हुए आना है। सामने आपको विलेज देखने को मिलेगी और विलेज के अंदर एंटर होते ही आपको ये ब्लैक स्मिथ का घर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको इसके घर के अंदर मतलब हमला बोल देना है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। और भाई मैं अटक क्यों जाता हूँ बार बार, चलो चेस्ट के अंदर देखते हैं। और यहाँ पे आपको गाइज टोटल 6 डायमंड, भाई मेरी तो सांसें अटक गई, लेकिन 6 डायमंड आपको देखने को मिलेगा भाई। और अगर आप लोगों को लगता है कितना बस हो गया ना, तो ऐसा नहीं है भैया, अभी रुक जाओ, अभी और ज्यादा झटके देना है आप लोगों को। तो अगला झटका लेने के लिए आपको इस साइड में आना है और यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट ऊपर शो हो रहे होंगे, तो कोऑर्डिनेट देखते देखते आप लोग यहाँ पे आ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये डेजर्ट वाला एरिया देखने को मिलेगा, तो इसके अंदर यहाँ पे मैंने लगा रखा है एमरेल्ड ब्लॉक, तो ठीक इस जगह पे आपको डिग करना स्टार्ट करना है। भाई ये गलती से कर दिया मैंने, मेरी कोई गलती नहीं भाई, कोई सेंस है इस बात की। तो यहाँ पे डिग करते रहना है और यहाँ पे आपको चेस्ट देखने को मिल जाएगी। और जैसे ही चेस्ट आप लोग खोलोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी लूट देखने को मिलेगी। अब आप लोग तो सोच रहे होंगे कि भैया इसके अंदर झटका देने वाली कौन सी बात है, तो रुको जरा, झटका तो नेदर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो नेदर में आने के लिए आपको इस साइड में जाना है, लेकिन उससे पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर जाने वाला। तो स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर जाने के लिए आपको इन कोऑर्डिनेट मतलब विलेज के बीच में आ जाना है और यहाँ पे इन कोऑर्डिनेट पे जहाँ पे मैंने एमरल्ड ब्लॉक लगा रखा है ना, ठीक इस जगह पे आपको डिग करना स्टार्ट करना है। और भैया डिग पहले से ही था और डायरेक्ट मैं मुंह के बल गिरा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 आंखें लगी हुई मिल जाएंगी, तो ये पोर्टल आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है, मतलब विलेज के अंदर ही आपको स्ट्रॉन्ग होल्ड देखने को मिल जाएगा। अब चलो चलते अपने खतरनाक झटके की तरफ। तो गाइज यहाँ पे आपको देखो, इस साइड में आपको एक रून पोल्डर देखने को मिलेगा, यहाँ पे 2 गोल्डन
ब्लॉक भी देखने को मिलेंगे और चेस्ट के अंदर मैं दिखा देता हूँ, तो चेस्ट के अंदर आपको कुछ ये लूट देखने को मिलेगी। अब फटाफट से मैं इसका निर्माण कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। यहाँ पे नरक के द्वार का निर्माण हो गया, जल्दी से इसको एक्टिवेट करते हैं और इसके अंदर कूद जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पोर्टल से निकल आए हैं और आते ही हमने पोर्टल को तोड़ भी दिया है। तो गाइस आपको करना क्या है कि देखो यहाँ पे पोर्टल बनाए, आपको इस साइड में आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी आप लोग ध्यान दे देना। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बेशन और इस बेशन के अंदर आपको खतरनाक वाले गोल्ड ब्लॉक भी देखने को मिलेंगे, तो वो आप लोग ढूंढा रैंडी करके देख लेना। और उसके बाद में आपको थोड़ा सा देखो यहाँ पे बेशन है, थोड़ा आगे बढ़ के आना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पूरी की पूरी नेदर फोर्ट्रेस देखने को मिल जाएगा, वो भी अंडरग्राउंड। गाइस पूरी की पूरी नेदर फोर्ट्रेस यहाँ पे अंडरग्राउंड हो रखी है, बट फिर भी यहाँ पे जो ब्लेज स्पॉनर है ना, ये बिल्कुल बाहर की साइड में मिलेगा। मतलब आप लोगों का काम तो हो गया, यहाँ पे ब्लेज डंडिया इकट्ठी कर लो, उसके बाद जाओ और एंडर ड्रैगन को पेल दो। और क्या, मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो गाइस यार इस सीट के लिए एक लाइक तो बनता ही, और चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और ये सीट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अब बढ़ते हैं अपने अगले सीट की तरफ। तो गाइस यार इस वाले सीट में आप लोग यहाँ पर जिंदा होगे, और मैं आप लोगों से पहले ही बता दूं कि ये वाला सीट कुछ ज़्यादा खास नहीं है, मतलब आप लोग ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना अपनी, ठीक है। इसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिलेगा, बस आपको सामने की साइड में एक विलेज देखने को मिलेगा, और इस विलेज के अंदर आपको तीन तीन ब्लैक स्मिथ हाउस देखने को मिलेंगे। तो चलो बारी बारी देखते हैं तीनों के घर के अंदर क्या क्या लूट देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये पहला ब्लैक स्मिथ है, यहाँ पे इसका बंदा गायब है। भाई इसका बंदा तो अपने चेस्ट की रखवाली कर रहा था और मेरे आते ही भाग गया। चलो इसके अंदर देखते हैं भाई, यहाँ पे आपको डिसेंट सा आर्मर देखने को मिल जाएगा, तो चलो इसको निकाल लेते हैं और अगले से। भाई दरवाजा मुंह पे बंद करके, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे हम दूसरे घर के अंदर जाते हैं और यहाँ पे बंदा अपने कामकाज में लगा हुआ है। इसके चेस्ट के अंदर देखते हैं और यहाँ पे आपको तीन तीन पिकेक्स मिल जाएंगी बिना मतलब की, और यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा आयरन वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आप चलते हैं अपने अगले वाले ब्लैक स्मिथ के घर के अंदर, यहाँ पे इसके चेस्ट के अंदर देखते हैं और यहाँ पे आपको तीन डायमंड देखने को मिलेंगे। अब आप लोग सोचोगे कि यार सीट तो अच्छी है, मैं क्यों बोल रहा था कि ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो ज़्यादा अच्छी इसलिए नहीं क्योंकि बस यही है जो कुछ है, और हाँ एक और चीज़ अच्छी है, मतलब वो खूबसूरत है। तो आपको इस साइड में आ जाना है जहाँ पे आप लोग स्पॉन हुए थे, और भाई साहब ये नज़ारा देखो, ये तो टट्टी है, गजब बेइज्जती है। बट यहाँ पे आप लोगों को एक रवीन देखने को मिल जाएगी, जो शायद से आपके सर्वाइवल वर्ल्ड के लिए थोड़ा सा काम आ जाए। इस सीट में बस मुझे जितना पता था मैंने बता दिया, मतलब इसके अंदर स्ट्रॉन्ग गोल्ड कहाँ है और नेदर फोर्ट्रेस इसके बारे में कुछ नहीं पता। हो सकता है आप लोगों को ये वाली सीट अच्छी नहीं लगी होगी, बट जो पहली की दोनों सीट बताई थी ना, वो एकदम ओपी लेवल की सीट है, तो आप लोग वो दोनों सीट ट्राई जरूर करना। तो गाइस आपको ये सीट और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, सीट या वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। भाई सांसें अटक जाती हैं यार वीडियो रिकॉर्ड करने में।